आज हम बना रहे हैं क्रिस्पी चिकन विंग्स। आप देख सकते हैं कितने यमी बने हैं और परफेक्ट जो है इसका क्रम। पूरा जो है मैं आपके साथ डिटेल जो इसका प्रोसीजर है, बहुत ही सिंपल और बेसिक रेसिपी है, जैसे हम होटल्स में खाते हैं ये बिल्कुल वही है, और ये इसकी जेन्युइन रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और बहुत ही सिंपल है, जैसे हम जो हैं क्रिस्पी जो पीसेस वगैरह होते हैं उन्हें बहुत कॉम्प्लेक्स बना दिया है, इस तरह का कोई भी नहीं है इसके अंदर चक्कर। ये जो है बहुत ही सिंपल रेसिपी है तो, और इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो अब जो है हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जी व्यूअर्स, हॉट क्रिस्पी विंग्स बनाने के लिए बिल्कुल जो ऑथेंटिक और जेन्युइन रेसिपी है मैं आपको वो दे रही हूँ। आपने मैंने जो है यहाँ पर 1 kg जो है विंग्स ले लिए हैं इस तरह से। इसमें जो ये देखिए मैं सिरका ले रही हूँ, ये जो है आपने 1/2 cup लेना है, ये इस तरह से। ये 1/2 cup सिरका जो है मैं ये विंग्स में डाल रही हूँ, साथ में ही 1 tablespoon नमक इसमें जाएगा, और साथ में जो है आपने इसके अंदर पानी, जिस भी आपने बाउल में विंग्स को डाला हुआ है तो वो जो है अच्छे से फिलअप हो जाए, विंग्स जो है अच्छे से पानी में डिप हो जाए, इतना आपने पानी डालना है। बस इसको जो है मिक्स करना है, जो हम बाज़ार में क्रिस्पी विंग्स खाते हैं जिसकी परफेक्ट बिल्कुल कोटिंग होती है, वो सिर्फ एक ही इंग्रेडिएंट होता है जिससे होती है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। इस तरह से जो है बस आपने इसे मिक्स करके अच्छे से इनको डिप करके आपने 30 मिनट्स के लिए जो है इसे ऐसे ही रख देना है। उसके बाद जो है हम इस पर मसाले लगाएंगे। तो जी व्यूअर्स, अब विंग्स को जो है वाटर में इस तरह से डिप हुए हुए जो है 1/2 hour हो गया है, 30 मिनट्स हो गए हैं। अब जो है जितना भी पानी है इसे हम वेस्ट कर देंगे। तो जी व्यूअर्स, चिकन विंग्स का जो पानी था वो हमने सारा फेंक दिया है, और विंग्स को जो है इस तरह से आपने इस तरह से निकाल लेना है पानी में से, और अच्छी तरह से जो है आपने इसे ड्राई कर लेना है, इसमें जो है पानी नहीं होना चाहिए। अब क्या करना है, आपने इसके अंदर ये जो है 1 tablespoon मस्टर्ड पाउडर मैं यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास मस्टर्ड पेस्ट है तो आप 1 tablespoon मस्टर्ड पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास पाउडर है तो मैं 1 tablespoon मस्टर्ड पाउडर आ गया, और साथ में 1 tablespoon रेड चिली पाउडर, सिंपल जो रेड चिली होती है वही है। 1/2 tablespoon जो है गार्लिक पाउडर यूज़ करना है, लहसुन का पाउडर, और साथ में 1/2 tablespoon या उससे भी जो है थोड़ा सा कम जो है मैं नमक यूज़ कर रही हूँ। आप जो है अपने जायके के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 tablespoon जितना बस हल्का सा पानी डालना है, और इसे जो है हम मिक्स कर लेते हैं। इस तरह से जो है अच्छी तरह से आपने इसके ऊपर सारी कोटिंग कर देनी है। तो जी अच्छे से जो है चिकन विंग्स मसाले में कोट हो गए हैं। अब आपने क्या करना है, इसे सिर्फ 20 मिनट्स के लिए जो है आपने फ्रिज में रखना है, और उसके बाद जो है हम इसकी कोटिंग करेंगे और इसे फ्राई करेंगे। सिर्फ 20 मिनट्स के लिए जो है अभी हम इसे फ्रिज में रखते हैं। तो जी व्यूअर्स, 20 मिनट्स के बाद आप देख सकते हैं चिकन जो है वो रेफ्रिजरेट होने के बाद इस तरह से है। अब आपने क्या करना है, सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप जो है उसकी जो कोटिंग है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो मैं अब आपको बताने लगी हूँ। चिकन का जो है हम एक दफ़ा साइड पे कर देते हैं। यहाँ पर जो है एक बाउल में मैं जो हूँ इस तरह से मैदा ले रही हूँ। मैदे की जो है वो कोई मैंने मेजरमेंट नहीं की, ये इस तरह से मैदा लेकर इसे जो है मैं छानती हूँ। जी आप यहाँ देख सकते हैं सिंपल मैदा है, इसमें कोई दूसरी चीज़ आपने ऐड नहीं करनी, सिर्फ सिंपल मैदा लेना है। यहाँ पर ही हमारे विंग्स हैं, और एक बाउल में जो है मैं ठंडा पानी डालती हूँ अभी,
जी व्यूअर्स, यहाँ पर जो है एक बाउल में ठंडा पानी ले लिया। यहाँ पर जो है सिंपल मैदा है, उसमें कोई भी चीज़ ऐड नहीं की, सिंपल बस मैदा है। और ये जो चिकन विंग्स हमने मैरिनेट किए थे, अब आपने करना क्या है, आपने इस तरह से चिकन विंग को उठाना है और ये मैदे के अंदर इस तरह से जो है डालने, ठीक है। अब डालने के बाद सिर्फ जो है आपके हाथ के जो मूवमेंट है उससे वो क्रम्स बनते हैं जो हम होटल्स में खाते हैं और हम सोचते हैं कि ये किस तरह से हो जाते हैं। कैसे करने हैं आपने, इस तरह से आपने इसे दोबारा से आपने इनके ऊपर मैदा डालना है और इस तरह से अच्छी तरह से आपने इसे मैदे में जो है कवर करना है। तकरीबन एक से डेढ़ मिनट जो है वो हम इसी तरह से करेंगे। एक से डेढ़ मिनट करने के बाद इस तरह ये देखें, अब इसको आपने इस तरह से झाड़ लेना है और ये देखें ये हमारा पानी है ठंडा, इसके अंदर आपने इसे डाल देना है, इस तरह से झाड़ना है और ये पानी ठंडे पानी के अंदर ये आ गया। अब क्या करना है, ठंडे पानी में से आपने इन्हें निकालना है और ये दोबारा से जो है मैदे के अंदर आ गए। अब दोबारा से आपने वही काम करना है, बिल्कुल ये देखें इस तरह से आपने अपना हाथ चलाना है और इन पर दोबारा से मैदा डालना है और अच्छी तरह से आपने जो है एक से डेढ़ मिनट इन्हें दोबारा मैदे के अंदर कोट करना है। ये बिल्कुल जो है ऑथेंटिक रेसिपी है, चाहे हम बड़े बड़े जो होटल्स हैं उनमें खाते हैं, ये बिल्कुल वही रेसिपी है और वैसे ही बनेंगे। इस तरह से देखें आपने इसे हाथ चलाना है आपने इस तरह से, तो जी एक से डेढ़ मिनट करने के बाद ये देखें इसको आपने ऐसे झाड़ना है और ये देखें, इसको हटा देती हूँ एक दफ़ा और आप ये देख सकते हैं ये सारे क्रम्स, ये आप देखें ये क्रम्स आप देख सकते हैं, बिल्कुल वही कोटिंग है जो होटल्स में होती है। इसमें कोई मैदे में जो थी दूसरी चीज़ हमने ऐड नहीं की थी, आपके सामने जो है सारा प्रोसीजर किया है मैंने और मैं आपको और भी निकाल के दिखा देती हूँ मैदे में से। इसको जो है आपने इस तरह से झाड़ लेना है ताकि जो एक्सेस है मैदा वो गिर जाएगा। ये देखें आप, ये बिल्कुल वो ही जेन्युइन कोटिंग है। कोई देखें आपके सामने मैंने किया है, कोई दूसरी चीज़ नहीं ऐड की, सिर्फ पानी है और मैदा है, ये देखें। तो ये चारों के चारों जो विंग्स हैं वो देखेंगे बिल्कुल इस तरह से रेडी हैं। अब जो है हम इन्हें ऑयल में डालते हैं। हमने एक पॉट में ऑयल ले लिया है, इन्हें जो है आपने डीप फ्राई करना है और ऑयल जो है वो पहले से अच्छे से आपका हॉट होना चाहिए और इन्हें जो है 10 मिनट्स मैक्सिमम लगेंगे फ्राई होने में और हॉट ऑयल होना चाहिए और बाद में जो है आपने हीट जो है वो मीडियम रखनी है। तो अब जो है हम इसके अंदर विंग्स डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें ये विंग्स अभी हम मैंने आपके सामने इनकी कोटिंग की है, ये जो है ऑयल में आ गए हैं और इन्हें जो है आपने करना डीप फ्राई है, कम जो है तेल में इन्हें फ्राई नहीं करना और ठंडे तेल में बिल्कुल नहीं डालना वरना कोटिंग जो है वो उतर जाएगी। ये जो मैं आपको बिल्कुल सही टिप बता रही हूँ और अब जो है मैं आपको दोबारा कोटिंग करना सिखाती हूँ, जब तक जो है ये वाले फ्राई हो रहे हैं। कोटिंग जो है वो एक दफ़ा आप दोबारा सीख लें,
वैसे तो बहुत ही ईजी है, लेकिन फिर भी मैं आपको दोबारा बताती हूँ। इस तरह आपने बस ये विंग्स उठाने हैं और ये मैदे में आ जाएंगे। ये आ गए मैदे में, आपने हाथ की मदद से इन पर दोबारा दोबारा जो है मैदा ऐसे डालते रहना है और इस तरह से प्रेस भी करते रहना है साथ साथ, और बस ऐसे हाथ जो है आपने इस तरह से करना है, 1 से 1.5 मिनट जो है आपने ऐसे करते रहना है। मैं बिल्कुल वीडियो जो है अनकट है और ये मैं आपके सामने ही कर रही हूँ बिल्कुल। इस तरह से दोबारा दोबारा आपने इसमें मैदा डालना है और इस तरह से हाथ जो है चलाना है। एक से डेढ़ मिनट जो है आपने इस तरह करना है। ये देखिए इस तरह से झाड़ना है। ये देखिए ये सिर्फ पहली कोटिंग है, ये साथ में ही जो है ये ठंडा पानी है, ये ठंडे पानी में आपने इस तरह से झाड़ कर ठंडे पानी में डाल देने हैं। ये ठंडा पानी में आ गए, इन्हें जो है ठंडे पानी से इस तरह से आपने निकालना है, पानी जो है वो सारा इस तरह से गिर जाए। साथ में ही दोबारा मैदे के अंदर और दोबारा से आपने वही कोटिंग। मैं जो हूँ इंशाल्लाह जिंगर बर्गर की जो रेसिपी है, जो ओरिजिनल ऑथेंटिक जो उसका क्रम होता है, वो किस तरह बनता है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। 1 से 1.5 मिनट आपने इसे दोबारा से इस तरह करना है। ये देखें, ये हैं वो ऑथेंटिक क्रम जो इस तरह से क्रिस्पी जो विंग्स होते हैं उनके ऊपर होते हैं। और भी आपको निकाल के दिखा देती हूँ। ये जो हम रेसिपीज में कहते हैं कि एग यूज करें, मिल्क यूज करें और पाउडर्स बहुत तरह के, कुछ भी आपने यूज नहीं करना, ये बहुत ही सिंपल। और ये देखें इसके आप चेक करेंगे, बिल्कुल ये सब इसी से ही बना है। थोड़ा सा अनबिलीवेबल लगता है लेकिन ये यही है इसकी रेसिपी। ये देखें ये जो है अभी अभी आपके सामने ही ये वाले विंग्स जो है मैंने कोट किए हैं। तो जी व्यूअर्स आप देख सकते हैं ये विंग्स जो है हमारे मीडियम हीट पर जो है ये कुक हो रहे हैं। इनको कुक होते हुए जो है तकरीबन 5 मिनट जो है वो हो गए हैं। ये देखें मैं अगर इसको हल्का सा इस तरह आपको निकाल के दिखाऊं तो आप इनकी कोटिंग चेक करें। ये देखें माशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट, जो होटल्स में हम खाते हैं ये वही है। ये देख सकते हैं आप, इन्हें जो है हम फ्राई होने देंगे और मैक्सिमम जो है ये 10 मिनट्स लेते हैं फ्राई होने में। अब जो है 10 मिनट्स हो गए हैं कंप्लीट। अब जो है हम अपने विंग्स को ऑयल में से निकाल लेते हैं। ये देखें आप इसके क्रम्स बस चेक करें, ये जो है बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी है, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट जो है वो क्रम्स इस पर आए हैं। इन्हें जो है हम निकाल लेते हैं इस तरह से। अभी दोबारा हमने कोटिंग की थी, इसको जो है हम ऑयल में डाल देंगे।
इस क्रिस्पी विंग के सेकंड मैच को भी कुक होते हुए जो है 10 मिनट्स हो गए हैं। इसको जो है मैं आपको दिखाती हूँ, इसके कोटिंग आप देखें बिल्कुल परफेक्ट है, वही जो क्रिस्पी विंग्स पर होती है ओरिजिनल कोटिंग वही है बिल्कुल। अब जो है हम इन्हें निकाल लेंगे। ये आप देखें बिल्कुल परफेक्ट इसकी कोटिंग आई है। थोड़े से चिकन विंग्स और थे, इन्हें भी हम फ्राई कर लेंगे। जी व्यूअर्स, आपके क्रिस्पी विंग्स जो हैं वो बिल्कुल रेडी हैं। आप देख सकते हैं ये कितने मज़े के बने हैं और बिल्कुल परफेक्ट जो है बने हैं, जैसे जो है हम होटल्स वगैरह में खाते हैं। ये देखें, ये बिल्कुल वैसे ही बने हैं बिल्कुल। के क्रम्स जो हैं वो बिल्कुल परफेक्ट हैं और यही जो है इसकी ऑथेंटिक रेसिपी है जो मैंने आपके साथ शेयर की है बिल्कुल। तो आप जो है ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपके क्रिस्पी विंग्स जो हैं वो कैसे बने हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।